हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स के शेयर के बारे में। जो स्टॉक यहां पे पिछले एक साल की बात करूं तो लगातार यहां पे डाउनसाइड मूव दिखाता जा रहा है। पिछले वन ईयर के अंदर इसने अपने टॉप से 50% से भी ज्यादा का यहां पे डाउनसाइड मूव दिखाया है। इसके अंदर बहुत सारे रिटेलर्स हैं वो फंसे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि इस बाईबैक के बाद में स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बनेगी। इस स्टॉक के अंदर जो प्रीवियस हाई था 303 रुपए उससे हाई बनाता हुआ स्टॉक दिखेगा। मैं आपको यहां पे एक होनेस्ट एनालिसिस देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक किस टाइम तक जो है, किस टाइम इंटरवल तक जो है आने वाले इन टारगेट्स को हिट कर सकता है। इस पूरी लिक्विडिटी को काटते हुए ये स्टॉक उस प्राइस तक वापस जा सकता है जिस प्राइस से यहां पे जो है डाउन आया है। उसकी वजह जानने की यहां पे आप बताने की कोशिश करूंगा कि जो किस वजह से स्टॉक है वो इतना डाउन जो है आ चुका है, और आज अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आईएक्स के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और जो एवरेज आउट का सोच रहे हैं उनको एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आईएक्स से रिलेटेड वो यहां पे क्लियर आउट हो जाएंगे। तो गाइस यहां पे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। गाइज स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं, अब अपन बात करने वाले हैं आईएक्स के स्टॉक के बारे में, डिटेल में बात करेंगे इसका बायबैक और उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में। क्या स्टॉक जो है आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको 300 रुपीज, जो मैंने बात की 300 रुपीज प्लस के यहाँ पे टारगेट दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, और अगर दिखा सकता है तो कितने टाइम में जो ये स्टॉक है ये अपने जो वन ईयर में जो इसने ड्रॉप दिखाया है, आप देख सकते हो ये मैंने वन ईयर का चार्ट लिया है, उसके अंदर इसने यहाँ पे इसने 303 रुपीज का जो टारगेट दिखाया था, क्या उसको है वापस स्टॉक ब्रीच कर पाएगा, क्या स्टॉक अपसाइड में इतना मूव दे पाएगा इस बायबैक के बाद में कि जो है इसका आज तक का लाइफ टाइम हाई मान लो या फिर वन ईयर का हाई भी लूं तो भी वो भी 303 है, और लाइफ टाइम हाई है वो भी यहाँ पे 303 ही इस स्टॉक का है। तो क्या इस स्टॉक के अंदर इतनी तेजी यहाँ पे बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, इनके डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बायबैक कंपनी को क्यों लाना पड़ा उसकी बात करते हैं। यहाँ पे गाइज एक चीज आप ऑब्जर्वेशन के साथ देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ली है सितंबर 2022 की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे मैंने ली है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो रिटेल एंड अदर्स, जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे 61.81% गाइस निकल के आ रहा है। 61% की जो है, मोर देन 61% की पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। वहीं ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है वो 15% रह गई है, जो एक साल पहले अगर आप बात करते तो 28 से 29% जो थी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पे आईईएक्स के स्टॉक के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब अपन मैं बात करता हूँ इसका जो एक मैंने चार्ट लिया है उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिटेल और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो पिछले जून के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 40% की शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद में सितंबर में वो घटके हो गई 39%, जब ऑल टाइम हाई पे सितंबर में ये पहुंचता हुआ दिखा। उसके बाद में आप लगातार इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो लगातार जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक की, जनरल पब्लिक की यहाँ पे क्वार्टर बाई क्वार्टर, डे बाई डे यहाँ पे इंक्रीज होती गई है, जो 39 से यहाँ पे पहुंच गई है 61.81%। अब जो ये शेयर होल्डिंग बड़ी है, आप एक क्लियरली एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मान के चलूँ ये 39 है और ये आज के टाइम पे लगभग 62% मान सकते हैं लगभग कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर इसको माइनस करूँ 39 62 में से माइनस करूँ तो ये होता है 23%। तो ये जो 23% है ये ऐसी पब्लिक है जो यहाँ पे इस शेयर के अंदर अभी जो फंसी है इस वन ईयर के अंदर। आप देखोगे तो ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था, इस ड्रॉप डाउन में 303 की प्राइस से लेके आज की जो प्राइस है 147, इस प्राइस के बीच में 23% जो जनरल पब्लिक है उसने शेयर बाई किए, तो आप एक चीज क्लियरली समझ सकते हो। और उसमें भी स्पेशली जो यहाँ का जो ये वाला जो बेल्ट था, ये वाला जो एरिया था, इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक ने बढ़ाई है। तो आप देख सकते हो इस 23% पब्लिक है ये यहाँ पे फंसी हुई है इस स्टॉक के अंदर हायर प्राइसेस पे।
उन प्राइसेस पे जहां पे स्टॉक आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में कंपनी ने बाय बैक का अनाउंसमेंट क्यों किया। गाइस यहां पे आप एक चीज, कोई भी एक चीज समझ सकता है कि अगर जनरल पब्लिक यहां पे लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो एफआईआई है वो यहाँ पे इसके अंदर अपनी जो स्टेक है, अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे घटा रहे थे। घटाने की वजह ये थी कि पिछले साल जब कंपनी के प्रॉफिट सबसे पीक पे थे तब स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग आई कि स्टॉक ऑल टाइम हाई को यहाँ पे जो टच करता हुआ दिखा और स्टॉक ने लगभग सिक्स टाइम से पैसे जो है मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे 40 से 50 की रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता था कोविड से पहले, वही स्टॉक जो है 300 रुपए का हाई बनाता हुआ दिखा। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वहाँ से अपना पैसा जो है वो निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो एनर्जी प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज होने वाली हैं और उस एनर्जी प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से जो शॉर्ट टर्म एनर्जी ट्रेड होता है, जो शॉर्ट टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, वो यहाँ पे जो है आईएक्स जैसे सिस्टम के ऊपर थोड़े थोड़े डाउन होने वाले हैं, उसी का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से निकले। अब मैं बात करता हूँ जो आईएक्स के बोर्ड ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है आईएक्स शेयर बायबैक का विद ₹98 करोड़, जो कि यहाँ पे लमसम होता है 0.55% ऑफ टोटल इक्विटी। अगर ये यहाँ पे 98 करोड़ का मार्केट के अंदर ₹200 में बायबैक करते हैं तो यहाँ पे 0.55% की जो इक्विटी है वो कंपनी के पास यहाँ पे चली जाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी जो ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर इसकी, उस लिक्विडिटी को थोड़ा यहाँ पे कम करना चाहती है, क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होगी, पब्लिक से लिक्विडिटी यहाँ पे वापस कंपनी के पास आएगी तो उसका फायदा जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को जरूर होगा। उसका रीजन ये होता है कि जब मार्केट के अंदर सप्लाई यहाँ पे जो है अगर आप कम कर दोगे, आप कंपनी ही यहाँ पे बायबैक करके हायर प्राइस पे, वो भी ₹200 की प्राइस पे बायबैक ला रही है, जो आज स्टॉक की प्राइस है वो 150 के अराउंड जो है चल रही है, तो यहाँ पे 200 पे ला रही है, तो कोई भी इन्वेस्टर जो है यहाँ पे सेल आउट करने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल आउट करोगे आप तो जो कि है 33% मोर देन 33% का जो है प्रीमियम यहाँ पे दे रही है। अब अगर यहाँ पे सेल करने जाओगे स्टॉक को तो कंपनी जो है आपसे इसको बाई कर लेगी ₹200 पे और उसके बाद में कंपनी अपने पास इस स्टॉक को होल्ड कर लेगी, तो मार्केट में जो है इतने शेयर जो है 0.55% शेयर है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, जिससे जो है इसकी सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाएगी और डिमांड है, डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। उस डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक प्राइस में आने वाले टाइम में आपको इंक्रीमेंट जो है देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ, आज एक और अपडेट यहाँ पे निकल के आया है बायबैक से रिलेटेड ही आईएक्स के अंदर, तो उसके बारे में आपको बताऊँ तो कंपनी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हो आईएक्स ऑल सेट टू सीक शेयर होल्डर्स नोट टू बायबैक शेयर्स वर्थ 98 करोड़। अब आप शेयर होल्डर्स जो भी 25 तारीख तक 25 नवंबर तक जो जिनके पास इसके स्टॉक थे उनको मेल के थ्रू यहाँ पे मैसेज कर दिया गया कंपनी के थ्रू, और उसके अंदर कंपनी ने जो है ईमेल के थ्रू एड्रेस के थ्रू उसमें ई वोटिंग जो बैलेट पेपर के थ्रू ई वोटिंग करवा रही है कंपनी, उसके अंदर वो अप्रूवल ले रही है अपने शेयर होल्डर्स का कि इस बायबैक के लिए जाएंगे या नहीं जाएं। तो जनरली जो है इसके अंदर ये होता ही है, ये बायबैक के अंदर जो अप्रूवल है वो कंपनी को मिल जाएगा। इसकी डेट रखी गई है 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2022, उसके बाद में है कंपनी यहाँ पे बायबैक के लिए जाएगी अप्रूवल मिलते ही। तो ये एक अपडेट थी और ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में जो आईएक्स है उसके अंदर किस वजह से जो है यहाँ पे प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो दिसंबर है, दिसंबर मंथ में इसकी प्रोसेस चलने वाली है पूरी की पूरी, तो इस दिसंबर मंथ के अंदर ही जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी बहुत हाई प्राइस पे लिया हुआ है ये स्टॉक, वो यहाँ पे थोड़ा अगर इसके अंदर हल्का फुल्का 1-2% का ड्रॉप और आता है तो उस दिन जो है, क्योंकि फ्लैक्चुएशन मार्केट के अंदर आते रहते हैं, तो उस दिन जो है इसके अंदर पोजीशन बनाने के लिए जा सकते हो। दूसरी चीज़ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और जो आसपास की प्राइसेस पे ही जिन्होंने बाई किया है, तो वो जो इन्वेस्टर है वो उस प्राइस के आसपास बाई किया तो वो यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं और बाई बैक के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि आपकी कुछ इक्विटी भी अगर बाईबैक में जाती है तो डेफिनेटली आपको 50 रुपीज का पर शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। उस पैसे से जो है वापस से आप इसके स्टॉक बाई कर सकते हो और कंपनी के अंदर जो है फिर जो लिक्विडिटी है वो कम होगी और प्राइस है वो और हाई जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद में नए इन्वेस्टर्स हैं तो नए इन्वेस्टर के लिए मैं बता दूं, जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए जो है ये कंपनी बहुत ही शानदार रहने वाली है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है। कंपनी का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रेड करना, ट्रेड बायर और सेलर के बीच में, और उसके अंदर जो कमीशन है वो कंपनी का यहाँ पे रहता है। तो आने वाले टाइम में जब छोटी छोटी कंपनियाँ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे बन जाएंगी, वो यहाँ पे अपनी यूनिट्स है वो इस आसानी से जो इस टाइप के सिस्टम्स हैं IEX जैसे सिस्टम है उन पर सेल कर पाएंगी, और इसका जो स्कोप है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ही ब्राइट नज़र आता है। उस हिसाब से ही आज जो कंपनी है वो 13,000 करोड़ प्लस का जो मार्केट कैप है गेन किए हुए है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है पूरा का पूरा फ्यूचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो कंपनी है कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत जो हाई प्राइस शेयर है वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जो है कंपनी के अंदर लोगों को आने वाले 5 to 6 months के ईयर के अंदर जो अच्छा बिजनेस है वो यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा आपका इस जो स्टॉक है इसके अंदर आपका क्या व्यू है वो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें, और आपका कोई भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन देने की जो नीचे कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।